हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. कैन यू ऑल सी मी? हेलो हेलो, गुड इवनिंग. हु ऑल इज देयर विद मी? विनेश चंद्र, मनोजीत, शेखर उपाध्याय. हाय शेखर उपाध्याय, लॉन्ग टाइम, कहाँ थे आप? काजल भट्टाचार्य, हाय काजल. सोहिल घाई, प्रभव, घनश्याम, सोहिल प्रसाद, लोकेश, राम सुनार, खोकर, जीएम खोकर, गोपाल, अनिल बंसल, नमस्ते. कैसे आप लोग? आज ज्यादा लोग नहीं दिख रहे मुझे, संडे है इसलिए सब लोग अपने दोपहर की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई. व्हाट्स गोइंग ऑन? तेज बहादुर चौहान, नमस्ते, कैसे हैं आप? ओके, 1.5 मिनट है बाकी अभी क्विज के शुरू होने में, तो तब तक आई थिंक फ्यू मोर पीपल विल बी ज्वाइनिंग इन एंड आई सी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू पीपल. आप लोगों में से ऐप पे से कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर ज्वाइनिंग मी फ्रॉम द ऐप? हेलो एवरीवन, आई एम मयूरी एंड आई एम योर गोकी कोच एंड दिस क्लास इज अबाउट कोरोना वायरस अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन. बहुत सारे मैसेजेस आपको लगातार अभी कम से कम सोशल मीडिया पे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे अगर आप खबरें देखेंगे तो सचमुच में दिमाग खराब होने वाली खबरें इतनी सारी दिखाई जाती हैं. एंड एट द एंड ऑफ इट, आफ्टर वॉचिंग इट फॉर 2 आवर्स, मे बी 3 आवर्स, मे बी 4 आवर्स अ डे, यू जस्ट फ्लिपिंग चैनल्स एंड यू हैव नॉट गॉट एनी valuable information. So that's why I come and play, and that's the reason I keep on telling you all that सिर्फ आधा घंटा मेरे साथ रहिए, जितनी जरूरी चीजें हैं ना वो आपको यहां पर समझ में आ जाएंगी. उसके अलावा ज्यादा इन्फॉर्मेशन की हमें शायद जरूरत नहीं है. 20 seconds to go, less than 20 seconds to go for this quiz to begin. Anyone else? Yes, I see a lot of people join me. Deepak, जी संधानी, कैतिक, रोहित, हेलो रोहित, प्रदीप, अरुण, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ऑल द बेस्ट, गो. एनीवन हियर विद मी? Anyone here with me? Shekhar Upadhyay, what happened? You did not join the quiz? How come you're here with me? Even when the quiz has begun and there is about 2 minutes time for the quiz to end. Anyone else? Anyone else who's there with me? Shekhar Upadhyay, I think you're not here. I think you've gone for the quiz. So all the best to the people who are now, who have good points and...
I think the quiz has ended, and after that, I think now you all are back with me. Anyone here back with me? Anyone here? Hello, everyone. Anyone here with me? No, 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 no. I don't see any one of you with me. Anyone here? Do I see anyone? I see a lots of new people. Bhujbar Shetty, Sanjay Vittal, thank you. Romal Jackson, Anita Arora, Nihal Singh, Sohil Ghai, Saurabh Kumar. Okay. I don't think anyone has joined back. What's the reason? What happened? What happened? Everyone is... I'm still waiting. Okay, Rajendra Singh, hi. Manoj Kumar, 50. Fantastic. Rajesh Sinha, namaste. Anyone else? Anyone else with me? 50? Kis kis ko mile? Kaushalendra Singh, hi. Okay. So, chaliye, aap log mujhe, Lokesh, dhanyavad. Aap log mujhe jab tak bataen ki aap logon ke points kitne the. Let me just reintroduce myself. बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पर, तो अगर आपने पहली बार मेरा क्लास ज्वाइन किया है, मेरा नाम मयूरी है और मैं यहाँ पर कोरोना अपडेट्स के सही और बहुत ही जैसे कहते हैं कंजर्वेटिव तरीके से आपको फिगर्स या इन्फॉर्मेशन बताऊंगी. कोई भी पैनिक फियर दिमाग में और दिल में रखने की जरूरत नहीं है और ना यहां पर फैलाने की गोखी पर आपको किसी तरीके की कोशिश नजर आएगी. दैट्स द रीजन आई लव दिस ऐप, बिकॉज यहां पर बिल्कुल भी किसी तरीके की जिसे कहते हैं अतिशयोक्ति या ओवर एग्जैजरेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको. थैंक यू मनमोहन गुप्ता फॉर सेइंग दैट. कौशलेंद्र हाय, लोकेश कुमार धन्यवाद, राजेश सौ नमस्ते, राजेश सौ वेर आर यू फ्रॉम, त्रिदेव thank you, congratulations, Ashwin Nanda, you're back to the live class, I'm happy to have you back, welcome back. All right, so now let me just quickly tell you the figures for the day. ये 5 बजे अपडेट होते हैं तो अभी अभी ये फिलहाल अपडेट नहीं हुए हैं. 5:30 बजे शाम के टाइम पे ये अपडेट होते हैं ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर .gov.in की वेबसाइट है. ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के अनुसार 19,868 यानी तकरीबन 20,000 का आंकड़ा फिलहाल एक्टिव केसेस का है. सो द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस आर almost close to 20,000, but the good thing is that almost 6,000 people have also been discharged and cured, so they've been sent back home, and the number of deaths is 824. So we are far away still from the 1,000 mark, and we are in a much much better state. I think we are in a fabulous way handling this entire thing. Tridev, thank you to all coaches for the knowledge about health. Thank you so much for being with us and helping us grow and helping us understand that we're doing a good job. Thank you for the acknowledgement. Nirbhay Verma, तुमचा रिप्लाय मी तुमची वाट बघत होते की तुम्ही परत येताय. सो या निर्भय वर्मा हॅज बीन अ रेग्युलर इन माय क्लास अँड निर्भय हॅज ऑलवेज बीन व्हेरी व्हेरी वरिड अबाउट हिज ओन सिटी बडोदा. सो लेट मी टेल यू दॅट गुजरात में जो केसेस हैं वो 3,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं. सो द केसेस अराउंड गुजरात आर रियली गेटिंग सीरियस एंड दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट द हिंदुस्तान टाइम्स सेज. गुजरात कोविड 19 अपडेट, केसेस क्रॉस 3,000 मार्क, सेंटर सेज सिच्युएशन इन अहमदाबाद एंड सूरत इज सीरियस. So what is happening in Baroda is what is so after Ahmedabad, Surat is Baroda, and even Baroda there are lots of new cases appearing every single day. The number of corona cases has crossed the 3,000 mark, which is about 3,071 to be exact on Sunday, that's today. According to the Union Health Ministry data, 256 new cases were reported across the state. So, 256 yani 250 se zyada cases ek din mein nazar aaye hain akele shaniwar ke din. Six more deaths have taken Gujarat's COVID-19 toll to 133. The state has the second highest number of COVID-19 cases after Maharashtra. Two teams of the Union government on Saturday met local officials in Ahmedabad and Surat, and the number of COVID-19 cases has risen sharply in the last few days. So, ये दो जो हॉटस्पॉट्स हैं स्पेशली सूरत और अहमदाबाद, ये बहुत ज्यादा सीरियस बताए जा रहे हैं और जिस तेजी से यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बहुत
ज्यादा खतरनाक है। सो 182 न्यू केसेस सैटरडे को पाए गए हैं। उसके बाद सूरत में जो केसेस पहले 500 के करीब थे वो अब 550 के करीब पहुंच चुके हैं। 34 न्यू केसेस हैव बीन फाउंड इन सूरत अलोन इन 24 आवर्स। द के स्टेट हैज रिकॉर्डेड न्यू COVID-19 केसेस इन 3 digits डेली फॉर द पास्ट fortnight। तो 15 दिन से हर रोज 3 digit में 200-250 केसेस कम से कम बढ़ रहे हैं हर रोज। उसके अलावा जैसे मैंने बताया अहमदाबाद सूरत के बाद बनासकांठा में 11 केसेस, बड़ौदा में 7 केसेस। सो आई थिंक दैट गिव्स यू योर आंसर निर्भय। बड़ौदा का 7 नए केसेस का फिगर आया है, भावनगर और आनंद में 5-5, उसके अलावा गांधीनगर, छोटा उदयपुर, पंचमहल्स में 2-2। तो पाटन, महिसागर, नवसारी यहां पर भी एक एक केस आया है। तो हर जगह से जो केसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दैट्स द रीजन द स्टेट हैज गॉट अ सीरियस केस और इसीलिए इस स्टेट पर खास नजर सेंटर की ओर से भी लगाई जा रही है। ऑलराइट निर्भय, बड़ौदा का मैंने आपको बताया। निर्भय वाट लागली परत अजुन वाढता है लॉकडाउन। येस, सो महाराष्ट्र और गुजरात का हाल बुरा है और यहां पर शायद लॉकडाउन और बढ़ने की स्थिति दिखाई दे रही है। आई एम डेली ज्वाइनिंग योर क्लास बिकॉज ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू भुजबाई संजय, थैंक यू। सो संजय, योर नेम इज संजय और विट्ठल, आई एम श्योर इट्स विट्ठल संजय भुजबळ, राइट? विठ्ठल, आई एम सो हैप्पी तुम्ही माझ्या क्लासमध्ये दररोज येता आणि मला असे रेग्युलर मेंबर्स फार आवडतात, थँक यू। सैयद, थैंक यू। शैलेश जिलावर, नमस्ते, आपकी नॉलेज इज ग्रेट, थैंक यू। इट्स सच बताएं तो मैं आपको बेस्ट जो वेबसाइट्स हैं उनसे जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करती हूँ। सो यू नो, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट पार्ट ऑफ माई वर्क। सुधा अग्रवाल, हेलो सुधा, कैसी हैं आप? यवतमाल की कंडीशंस कैसी है इन महाराष्ट्र? यवतमाल में भी कुछ केसेस 2 दिन पहले नजर आए थे, अब यहां का क्या हाल है? आई विल जस्ट क्विकली फाइंड आउट एंड सो जैसे मैंने कहा कि यवतमाल में 15 नए केसेस देखने को मिले थे। सो दिस इज अपडेटेड जस्ट यस्टरडे एंड इट्स फ्रॉम द एबीपी माझा मराठी वेबसाइट एंड आई क्विकली रीड आउट दैट फॉर यू। यवतमाळ जिल्ह्यात कोरोना से 15 नवीन रुग्ण, मीनिंग 15 न्यू केसेस इन यवतमाळ एंड 30 केसेस ओवरऑल इन यवतमाळ एंड दैट्स द रीजन इवन दिस। सो व्हेन इट कम्स टू 15 न्यू केसेस और वन बिग फैमिली वन एरिया, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन अ बेटर मैनर। बिकॉज एक फैमिली के लोग अगर होंगे या एक इलाके के लोग होंगे तो उस एरिया को क्वारंटीन करना आसान हो जाता है और वहां पर इलाज पहुंचाना भी आसान हो जाता है। लेकिन जब स्कैटर्ड होती हैं चीजें, जब अलग अलग इलाकों से एक 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 केस आता है तो उसमें और घबराने की जरूरत होती है। बिकॉज क्या होता है, कई बार आपके घर पर कोई आया, आपसे किसी ने बातचीत की या कोई चीज टच की, फिर वो कहीं गया, फिर वहां से और चीजें मल्टीप्लाई हुई और उसमें केसेस और ज्यादा बिगड़ते हैं। बट यू नो, दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आई गेस कैन बी हैंडल्ड वेरी वेरी इजिली एंड वेरी एफिशिएंटली एंड दैट्स व्हाट आर अथॉरिटीज आर डूइंग। ऑलराइट, नाउ लेट मी क्विकली सी व्हाट आर द अपडेट्स फॉर टुडे। आई विल बी रीडिंग आउट फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स। निर्भय, सम होम ब्रो गुजरातीज, हाउ इज इट स्प्रेडिंग, आई कांट लिंक इट। सो निर्भय, यस्टरडे आई डोंट थिंक यू वर देयर इन माई क्लास एंड आई मेंशन दैट यू नो, एक तो पहली बात, हम लोग बहुत सारी चीजें जो प्रशासन कर रहा है उसमें एज ह्यूमन बीइंग्स, एज इंडियंस, हमारी आदत होती है कि हम बहुत सारी चीजों में सपोर्ट नहीं करने में बहादुरी समझते हैं। सो I must tell you that I was speaking to my cousin from Surat and he told me that एक सूरत में बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है कि जो भी दूध लेने जाता है, मेडिसिन लेने जाता है, कोई भी सामान लेने जाता है तो उनका डेटा लिखवाने के लिए कहा गया है। सो इफ आई गो टू अ मेडिकल शॉप आई हैव टू राइट माई नेम एंड नंबर। तो जब ये लिखवाने के लिए कहा गया तो लोगों ने आपस में ये स्प्रेड करना शुरू किया कि अपना खुद का नाम और नंबर मत लिखना, गलत नंबर लिख के आ जाना। क्योंकि अगर मान लो कि जो दुकानदार है उसको अगर अस्पताल में उठाकर ले जाया गया तो आपको भी ले जाएंगे। सो वो तो अच्छी बात है ना।
आपको इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है कि टाइम पे इलाज मिल जाएगा, टाइम पर यू नो व्हाई इज द गवर्नमेंट डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एंड अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ इट, वी बिलीव इन हाइडिंग द इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स. दैट इज वॉट इज मेकिंग थिंग्स वर्स. और ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं. सो इमेजिन जो लोग सचमुच में जिनके पास ज्ञान नहीं है और जिनको समझ नहीं है वो लोग क्या कर पा रहे होंगे. आई बिलीव इन दिस सिचुएशन जितने लोग गांव में हैं, जितने लोग झुग्गियों में हैं, शायद वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं या उनका डर जो है ना उन्हें और ज्यादा सुरक्षित रखने में हेल्प कर रहा है. सत्यरंजन थैंक यू सो मच, थैंक यू निर्भय, थैंक यू सो मच शैलेश, थैंक यू प्रकाश सिंह पटवाल, हेलो थैंक यू नमस्ते. सो या तो इस तरीके की जो हमारी आदतें हैं, लॉकडाउन है फिर भी लॉकडाउन को हमें ब्रेक करने में मजा आता है, घर से बाहर सिर्फ ये घूम के आने में मजा आता है कि आप देख के आते हैं शहर में क्या चल रहा है, देख के आते हैं शहर में कितनी शांति है, थोड़ा सा देख के आते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है ना वो हमें पकड़ पाती है नहीं. ये जो एडवेंचर किक्स मिलते हैं ना हमें, शायद इसमें बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं. और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना चाहते हुए इस तरीके की बीमारी ने जकड़ लिया है. सो वी विल फील बैड फॉर इट, बट द गुड थिंग इज दैट आर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, एवरीबडी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड इवन द पुलिस फॉर दैट मैटर. They're doing a fabulous job in keeping everyone. वरना सोचिए कि इस तरीके के देश में ऐसी स्थिति को संभाल पाना कितना ज्यादा मुश्किल है. These people should. I know निर्भय, but I think वैसे इतने सारे लोग जो है ना वो इससे ग्रसित हैं. थोड़े कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो इस तरीके की गलत चीजें कर रहे हैं और they're making things difficult for the people who are working. अभय चौधरी हाय. In Indore, a family staying in three houses close to watch each other. Six passed away. Close to each other. Six passed away. 16 in hospital, 34 in quarantine. These are my friends' relatives. Oh my God. That is sad. That's really sad. So I'm sure. इसमें पता है क्या अभय चौधरी, बहुत सारे जो केसेस है ना उसमें ये समझ में ही नहीं आ रहा. कुछ लोगों को अचानक से बहुत ज्यादा बदन दर्द हो रहा है और बदन दर्द में इस तरीके से हम भी कई बार चीजों को इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं. तो ऐसा हुआ कि यार बदन दर्द होने लगा, टेम्परेचर समझ में भी नहीं आया कि टेम्परेचर है नहीं है, सर्दी खांसी है नहीं. तो कुछ लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उन्हें कई बार ये समझ नहीं आया कि उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है और बिफोर दे कुड रीच द हॉस्पिटल थिंग्स हैड गॉन बस्ट. सो तब तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये जो वायरस है वो दे भी दिया था. सो दीज आर सैड केसेस एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर मेकिंग दिस वायरस वेरी वेरी डेडली. सो वी कैन ओनली प्रे फॉर सच केसेज एंड वी कैन प्रे दैट वी हैव टू बी, दैट्स द रीजन वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर दैट ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं लॉकडाउन के, कोई सरकार नहीं चाहती है, दुनिया भर में कोई नहीं चाहेगा कि सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाए, सबके रोजगार खत्म कर दिए जाए. द गवर्नमेंट इज वर्किंग होल डे एंड होल नाइट एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट एंड दैट इज फॉर आर ओन गुड. अरे मोबाइल में देखने, एड्रेनलिन कंट्रोल करो, एडवेंचर आए बड़ी पहली फुर्सत में. या निर्भय वर्मा इट्स अ सैड थिंग. त्रिवेणी त्रिदिव यस. मनोज हाय. शैलेश मैम नांदेड़ की कंडीशन कैसी है महाराष्ट्र में? नायगांव बर्बाद. शैलेश यू नो महाराष्ट्र में हर जगह स्थिति बहुत खराब है लेकिन मुंबई की हालत सबसे ज्यादा बुरी है. मनोज सिंघल आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस. सो महाराष्ट्र में अब जो स्थिति है, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, इट इज एक्चुअली समथिंग विच इज सीरियस. 7,600 लोग अभी फिलहाल एक्टिव केसेस हैं और 323 लोगों की जान चली गई है, लेकिन इनमें से जो क्योर्ड हैं वो 1,000 से ऊपर लोग हैं. एंड इसके बाद लाइक आई सेड कि इसके बाद अगर फिगर है तो वो गुजरात का है विच इज सडनली रिजन एंड लास्ट 15 डेज में यहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है. दत्तात्रेय मात्रे हाय. मनोज सिंगल आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? हरीश चंद्र मौर्य नो टाइम फॉर क्लास, एनी टाइम इट स्टार्टेड. या आई डोंट नो, जैसे कोरोना वायरस के वजह से दुनिया भर में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है उसी तरीके से गोकी भी मेरे क्लासेस के टाइमिंग्स लगातार बदल रहे हैं. दैट्स द रीजन. एक अच्छा काम आप कर सकते हैं हरीश, कि आप जो नोटिफिकेशन है ना उसको बस आप ज्वाइन कीजिए मेरा क्लास. आपको एक हार्ट्स के बटन के पास जो आप क्लिक नहीं कर रहे हैं कोई भी,
हार्ट्स के बटन के पास में एक हरे रंग का बटन होगा जिसपे एक प्लस का निशान होगा, उस पर एक बार बस क्लिक करेंगे. सो यू विल एक्चुअली एक्टिवेट द नोटिफिकेशन आइकन, एंड उससे क्या होगा, जब भी मैं ऑनलाइन रहूंगी आपको नोटिफाई किया जाएगा और आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज हाउ आई कैन हेल्प यू राइट नाउ. फिलहाल माई क्लास इज बींग जम्बल्ड अ लॉट एंड द टाइमिंग्स आर रियली अ लिटल अप एंड डाउन. ओके, सो ग्लोबली एज 25th April देर हैव बीन 27,000 कन्फर्म्ड केसेस, और इनमें से 1,87,000 लोगों की डेथ हो चुकी है. सो वन सेकेंड, सो बहुत सारे निर्भय वर्मा गुजरात वाले क्या कर रहे हैं. मैम मैं डॉक्टर शैलेश की वाइफ हूं. अच्छा कहिए. सो निर्भय वर्मा रात के टाइम पे आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे बताइए. जिलावर मैडम निर्भय आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. ऑलराइट, सो आज सुबह रविवार के दिन द पीएम हैड स्पोकन टू ऑल ऑफ अस, और उन्होंने भी यही कहा कि हमें इस सब में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है और सबके सबके साथ मिलकर हमें काम करना है. कोरोना वायरस मेक किट्स अवेलेबल एट लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो किट्स हैं वो जितना भी कम प्राइस में अवेलेबल करा सकते हैं, सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और कम से कम प्राइस में लोगों तक ये पहुंचाने हैं. और इनफैक्ट सरकार ने हमसे ये भी कहा है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि होममेड अगर आप मास्क बना पाएं तो वो सबसे बेहतर है. घर पे कॉटन के मास्क बना पाएंगे और वो वॉश कर पाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. निर्भय सो सॉरी. ओ रामायण टाइम नहीं, कल तो 8 बजे मेरी क्लास थी, रामायण तो था नहीं उस वक्त में. मीरा नाम है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. मीरा जी बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपका नाम मीरा है, मुझे बहुत पसंद है ये नाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी. आपकी ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं मुझे बहुत मेरे लिए मायने रखती है. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. आई रियली विल रिकॉर्ड दिस एंड कीप इट फॉर माई सेल्फ. Thank you. Oh, you listen to songs while jogging on my terrace. See, aap to lucky hai ki you have a terrace. You know, imagine people in Mumbai or in cities like Delhi, जहां पर लोग flats में रहते हैं और वहां पर कोई terrace नहीं होता है, कोई बाहर घूमने की जगह नहीं होती है. दत्तात्रेय मात्रे खूब खूब धन्यवाद. So, अभी Delhi High Court ने कहा है कि आपको 26,000 के पार केसेस चले गए हैं और अब स्थिति और ज्यादा, अगले 15 दिन में स्थिति और ज्यादा बिगड़ने के भी आसार हैं. क्योंकि क्या होता है, 4 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि मई के अंत में चीजें कहां तक पहुंचेंगी. एंड इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मास्क हैं वो सबको पहनने के लिए बहुत ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराए जाएं. और इसमें meanwhile 25 lakh of people have been affected with COVID-19 across the globe as per the latest figures. इस बीच मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने बयान दिया है कि आरएसएस इस वक्त में लॉकडाउन के वक्त में भी रिलीफ एक्टिविटीज में शामिल है और बहुत सारे कामकाज उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं. संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे रूल्स और सारे नियमों का पालन करते हुए लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हैं. जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑन संडे सेड द पार्टी शुड फर्स्ट चेक हाउ द कांग्रेस रन स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स. सो इस बीच में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है एंड आई थिंक आई पर्सनली वुड नॉट गेट इनटू इट बिकॉज जिस तरीके से पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं इस इतनी खतरनाक स्थिति में, जब सबको एक साथ इकट्ठा होकर इस महामारी से लड़ना है, आई थिंक इस तरीके की खबरों को जगह भी नहीं मिलनी चाहिए. सो जो बयानबाजी हो रही है, प्लीज इग्नोर ऑल ऑफ दैट. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग वी कैन लिव विदाउट राइट नाउ. रशिया में अगर हम देखें तो रशिया में पहले इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे देशों में जिस तरीके से WHO ने परसों कहा, WHO ने कहा कि अभी फिलहाल हम लोग इस स्थिति से जस्ट
यू नो हम एक स्टेज पर पहुंचे हैं, लेकिन अब छोटे छोटे देशों में भी ये जो जिन देशों में इससे पहले नहीं देखा गया इसका प्रभाव तो या दुष्परिणाम, वो अब वहां पर भी पहुंचने वाला है वायरस, और वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। रशिया में इससे पहले बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे, लेकिन रशिया में अब 80,000 लोगों में कोरोना वायरस आ चुका है, और यहां का डेथ टोल भी जो है 747 पे पहुंच गया है। मुंबई से 31 जर्नलिस्ट को भी डिस्चार्ज किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले हफ्ते 53 जर्नलिस्ट हैड कोरोना वायरस, लेकिन अब उनका दूसरा टेस्ट हुआ है और उन्हें होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। तो 31 जर्नलिस्ट डिस्चार्ज हुए हैं आज, उन्हें घर पे रहने की हिदायत दी गई है। तो सबके ऊपर वो जो होम क्वारंटाइन वाला मार्क होता है, 9 मई तक के लिए उन्हें घर पे रहने का आदेश दे दिया गया है। हु ऑल आर योर दत्तात्रेय म्हात्रे, थैंक यू, अदरवाइज आई विल डाई इवन इफ आई डोंट हैव कोरोना बिकॉज ऑफ इनएक्टिवनेस एंड मेंटल हेल्थ। आई एम सो हैप्पी निर्भय, बिकॉज आई रिमेम्बर इन द फर्स्ट 10 डेज यू वर रियली गोइंग क्रेजी, लेकिन नाउ आई गेस यू हैव नाउ गॉट यूज टू द न्यू होमली लाइफ स्टाइल। हरिश्चंद्र, हाउ मेनी ऑफ यूर आर फ्रॉम पेटीएम फर्स्ट? येस आई वुड लाइक टू नो दैट टू। मल्लिकार्जुन नमस्ते, सुमन नमस्ते। सिर्फ अहमदाबाद के केसेस अभी के अमेरिका जितना होगा, याद रखना मैं नहीं बट अहमदाबाद के कलेक्टर बोलते हैं। हाँ हाँ, अहमदाबाद के कलेक्टर ने कहा है, डेफिनेटली ये कहा है कि अहमदाबाद की स्थिति खराब हो सकती है, और यहां पर जो डेथ्स हैं वो 8,000 के आसपास भी हो सकती हैं। आई रिमेम्बर हिज उन्होंने ये 2 दिन पहले कहा था, और उनका बयान थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। त्रिदेव, कीप अप निर्भय, माई सेल्फ एंड माई 76 ईयर ओल्ड फादर ऑल्सो डूइंग द सेम, वॉक इन साइड द हाउस थ्रू ऑल द रूम्स रिपीटेडली। फैब्यूलस, आई एम सो हैप्पी टू रीड सच थिंग्स। त्रिदेव, यू ऑल आर इंस्पिरेशन एंड आई रियली लाइक यू ऑल। जिस भी तरीके का आप एक्सरसाइज करें, भले काम करते समय करें, मेंटल एक्सरसाइज करें, आप कुछ पढ़ें, अलग अलग चीजें कर सकते हैं आप अपने आप को खुश रखने के लिए, और अपने आप की जो मानसिक शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए। सुनीता जैन नमस्ते, आप लेट आई हैं शायद। निर्भय वर्मा, डोंट से दैट, योर मेंटल हेल्थ इज नॉट डिटीरियोरेटिंग, यू आर गेटिंग बेटर, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन यू ड्यूरिंग द क्लास एंड यू आर डेफिनेटली गेटिंग बेटर, आई कैन सी यू सो हैप्पी टूडे, सो यू डूइंग अ गुड जॉब। और उसके अलावा मेक टेस्ट अवेलेबल एट लोएस्ट कॉस्ट, ये तो मैंने आपको बताया कि इवन मास्क के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने टेस्ट किट्स भी सबके लिए अवेलेबल कराने का आदेश दिया है। 6 न्यू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन रांची, अ स्टाफ ऑफ सदर हॉस्पिटल, 3 इन हिंदपुरी, तो रांची में केसेस आ रहे हैं, हर जगह से केसेस आ रहे हैं। उसके साथ साथ सेवरल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव परमिटेड टू रिज्यूम, तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जगह पर शुरू करने के लिए कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का ये बेस्ट टाइम है, तो वो काम भी अब शुरू हो चुका है। 113 श्रीलंका के नेशनल्स यहां पर स्ट्रैंडेड थे कल। इनफैक्ट एक और भी खबर आई कि श्रीलंका में भी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए श्रीलंका ने अपना जो डॉलर्स हैं वो एक्सचेंज करने का भारत को ऑफर दिया है। इनफैक्ट भारत ने आज, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमने सबको, जितने देशों ने हमसे HCQ मांगा या दवाइयां मांगी, उन सबको हमने मदद की है, और ये हमारे इंसानियत का रिश्ता बना है। तो ये सोचिए हमने लॉन्ग टर्म भी कितना अच्छा रिश्ता बनाया है, क्योंकि ये इस तरीके से, जिस तरीके से हमने हेल्प किया है, आई थिंक द पीएम हैज डन अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर हेल्पिंग मेनी अदर केसेस। इंदौर की बात आपने की थी अभय, केसेस इन इंदौर हैव रिजन टू 1176 आफ्टर 91 पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव। तो इंदौर की हालत सचमुच में थोड़ी गंभीर है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने कहा है 1843 पॉजिटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड टिल डेट इन यूपी, इन विच 289 केसेस हैव बीन रिक्योर्ड और डिस्चार्ज। तो टोटल 29 डेथ्स आर रिपोर्टेड टिल नाउ फॉर द डे। तो ये इस तरीके की बहुत सारी खबरें हैं। पाकिस्तान हैज क्लैरिफाइड दैट नो वैक्सीन इज बीइंग प्रिपेयर्ड आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज दैट द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग इट विद द हेल्प ऑफ चाइना, इवन एज द कोरोना वायरस केसेस क्लाइम्ब टू 12,644। तो किसी ने इस तरीके की खबर पाकिस्तान के बारे में पहुंचाई थी कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान एक वैक्सीन तैयार कर रहा है। तो द गुड थिंग इज दैट
पाकिस्तान ने खुद हाथ खड़े करके कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वैक्सीन का काम चल रहा है वो जर्मनी में चल रहा है, उसके साथ साथ इंग्लैंड में वैक्सीन को लेकर अब कामकाज शुरू हो गया है एंड वी आर होपिंग दैट वी गेट द वैक्सीन विद इन अ ईयर और बिफोर दैट। अभय, वी हैड अ हाउस रन टुडे इन पुणे, पीपल हैव रन 10 किलोमीटर्स एंड पोस्टेड वीडियोज, दैट इज फैब्यूलस वंडरफुल, हाउ कम आई डोंट नो अबाउट दैट। निर्भय वर्मा, वेयर इन पुणे, इज इट योर ओन सोसाइटी? That day when I told you that you seem like my mom, you became so angry that you didn't come for class for 1 week and I was so afraid. No, come on Nirbhay Verma, I am so touched if you're saying that. I am really touched. Where's your mom? I am so touched. And oh, sorry, I'm so sorry. I think you told me Nirbhay. I'm really sorry. I think you told me. And I'm really touched. Why will I be angry at such a thing? That's such a big compliment, and why will I be angry? My class was not there. Tridev, agree with you, ma'am, especially for Nirbhay. Brave is his name, I'm sure. Naam aapko sarthak karoge. Bilkul. Abhay Chaudhary, shukriya. Dattatre, myself and my wife walk more than 10k steps daily at home. Fabulous. Matreji, wonderful. Seriously. Abhay. Nirbhay Verma, Tridev, you make me laugh now. Why my name was in Nirbhay and how? I'm fearful mostly when alone. Don't be. Just don't be. It's LSOM group in Pune last Sunday of the Monday. Okay. Of the Monday. Okay. Tridev, you're not alone. We are all with you. Absolutely. All right. So I think it's time for me right now to say goodbye to all of you. इंडियाज वॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस इज पीपल्स ड्रिवन, तो लोगों ने इस वॉर को बहुत अच्छी तरीके से ताकत दी है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था, आई हैव कम्प्लीट फेथ इन वॉट द पीएम हैज बिन सेइंग एंड लाइक आई ऑलवेज से कि इस पूरे लड़ाई में अगर हमने साथ दी तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। और इसीलिए हमें ना सिर्फ घर के अंदर रहना है लेकिन घर के अंदर खुश रहना है, घर के अंदर अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी शारीरिक बल को बढ़ाना है। और ये वो समय है जब बहुत सारी चीजें आप जो नहीं कर पाए थे वो करना है और उसको आपको आगे बढ़ाना है। सो विद दैट नोट, लेट मी से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल सून, हैव अ वेरी वेरी हैप्पी वीक अहेड विद मी विद गोकी, बी द फोर्स, बाय बाय।